नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत आपके चैनल में। जैसे कि पता है आपके चैनल का नाम है आशीष चिकना, तो हमारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास है आज। जिस टॉपिक का नाम है टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, जो आपके पास हायर क्लासेज है, आपके पास जैसे पीजी क्लासेज है, आपके पास यूजी और पीजी क्लास में आपके पास पर्टर्बेशन थ्योरी का काम आता है। किसमें? इन द केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक। क्वांटम मैकेनिक में आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्टर्बेशन थ्योरी, तो उसका आपके पास एमएससी सेकेंड ईयर में टॉपिक आपके पास टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, उसके बारे में हम आज जानकारी देंगे आपके पास, सारी के सारी जानकारी देंगे। अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये है, ये नेट और जेआरएफ में भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं आपके पास वाट, पहले इसके बात करते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है, पहले इसके बारे में डिटेल करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है आपके पास, वाट इज पर्टर्बेशन थ्योरी, पर्टर्बेशन थ्योरी किस क्या होती है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तभी तो इसके बारे में जानेंगे टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है। अब बात करते हैं आपके पास व्हाट इज पर्टर्बेशन का मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग में बताते हैं हम पर्टर्बेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, गड़बड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गड़बड़ी। पर्टर्बेशन का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ पर्टर्बेशन, मीनिंग ऑफ पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन का मीनिंग क्या होता है, गड़बड़ी, गड़बड़ी होता है पर्टर्बेशन का मीनिंग होता है। अब बात करते हैं आपके पास क्वांटम सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन कौन से केस आते हैं। तो क्वांटम सिस्टम ले लेते हैं, क्वांटम सिस्टम जिसके अंतर्गत आपके पास दो भागों में डिवाइड होता है, आपके पास क्वांटम सिस्टम होता है ये आपके पास कितने भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में डिवाइड होता है आपके पास। तो पहला केस कौन सा आता है, सिंपल सिस्टम की बात आती है, पहले वाली बात किसकी आती है, सिंपल सिस्टम की बात आती है। इसको मॉडिफाई कर रहे हैं आपके पास समझने के लिए, क्योंकि आपके पास टॉपिक पूरा कवर करवाएंगे हम हमारे चैनल के माध्यम से। अब आपके पास बात आती है सिंपल सिस्टम, और सेकंड आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। अब बात करते हैं आपके पास सिंपल सिस्टम और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को समझते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले बात ले लेते हैं आपके पास सिंपल सिस्टम का, कोई एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास, जैसे एग्जांपल है इसके हाइड्रोजन एटम हो गया, और आपके पास क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये क्या हो गया आपके पास, बिल्कुल ही सिंपल सिस्टम के क्या हैं, एग्जांपल हैं हाइड्रोजन एटम और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अब बात करते हैं आपके पास कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्या होता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब नाम से साबित हो रहा है, आपके पास एक टर्म तो होगी नहीं, उसमें क्या होगा, कुछ टर्म ऐड होगी, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको सोल्व करना आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज को, मुश्किल होता है। उसके लिए हमारे पास कौन थ्योरी आई है, पर्टर्बेशन थ्योरी आई। अब बात कर लेते हैं आपके पास कॉम्प्लिकेटेड का मतलब समझ लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड में आपके पास मान लेते हैं क्या होता है, टेक ए सिंपल सिस्टम। सबसे पहले आपने क्या अज्यूम करना है, सिंपल सिस्टम को मानना है। तो सिंपल सिस्टम को मानना है तो आपने उसके बाद क्या करना है, आपने एक्सटर्नली वे से क्या करना है, उसमें कुछ जोड़ेंगे हम, एक्सटर्नली वे से हम कुछ इसमें जोड़ेंगे आपके पास एक्सटर्नल सिस्टम। ये तो आपके पास सिंपल सिस्टम था,
एक्सटर्नल सिस्टम आपके पास, इसमें क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, इसमें एक्सटर्नल सिस्टम को क्या करेंगे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आपके पास क्या होगा, मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं आपके पास, एग्जांपल के माध्यम से देखें इसको। अब बात करते हैं आपके पास इसमें, आप कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में आपके पास क्या है, एग्जांपल के माध्यम से देखें। जैसे हम हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसका एग्जांपल देखें, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का एग्जांपल आपके पास जैसे इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल देखें आप। जैसे मैंने ले लिया एच एटम, हाइड्रोजन एटम ले लिया मैंने, हाइड्रोजन एटम आपके पास क्या है, सिंपल सिस्टम है, तो सिंपल सिस्टम आपके पास, उसमें क्या जोड़ना है एक्सटर्नली, वैसे यदि आपने क्या जोड़ दिया उसमें, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को क्या कर दिया आपने, इसके अंदर जोड़ दिया, तो इसके अंदर मिला दिया। मिलाने की वजह से क्या हुई, ये आपके पास गड़बड़ी हुई, तो गड़बड़ी आपके पास शब्द आया, तो मैंने बताया था गड़बड़ी को क्या कहते हैं, गड़बड़ी को कहते हैं पर्टर्बेशन, क्या कहते हैं पर्टर्बेशन कहते हैं, गड़बड़ी को क्या कहते हैं पर्टर्बेशन कहते हैं। जैसे आपके पास हाइड्रोजन एटम का इसमें गड़बड़ी हुई, तो आपके पास आगे क्या प्रोसेस हुई, आगे प्रोसेस भी देखें आपके पास, तो आपके पास इसकी प्रोसेस भी देखें भाई, आपके पास हाइड्रोजन एटम में आपके पास जब पोटेंशियल को जो आपने ऐड किया, कौन से पोटेंशियल को ऐड किया, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को ऐड किया, तो उसमें गड़बड़ी क्या हुई, स्पेक्ट्रा के अंदर क्या हुई, तो हम जानते हैं आपके पास हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा की जो फॉर्मेशन होती है वो आपके पास सिंपल ऐसी होती है, बट आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ी होगी, गड़बड़ी होने की वजह से क्या हो गया, गड़बड़ी होगी, तो गड़बड़ी का नाम क्या आया था आपके पास बच्चों, गड़बड़ी का नाम आया था पर्टर्बेशन, क्या आया था गड़बड़ी का नाम, पर्टर्बेशन आया था गड़बड़ी का नाम आपके पास, तो इसमें गड़बड़ी के कारण क्या हो गया, स्पेक्ट्रा में स्पिल्टिंग हो गई, स्पेक्ट्रा में क्या हो गई, स्पिल्टिंग हो गई, स्पिल्टिंग मतलब है बिखर गए, तो इसमें इसकी स्पिल्टिंग हो गई, स्पेक्ट्रा के कारण क्या हो गया, इसमें स्पिल्टिंग हो गई, तो इसकी स्पिल्टिंग हुई, स्पेक्ट्रा के कारण क्या हुई, इसमें गड़बड़ी के कारण स्पिल्टिंग हो गई, स्पिल्टिंग, स्पिल्टिंग गड़बड़ी हो गई, स्पिल्टिंग हो गई मतलब बिखर गए, विखंडन हो गए। अब बात करते हैं आपके पास कोडेनियर वेव इक्वेशन क्या होती है, उसके अंदर पर्टर्बेशन को कैसे आपके पास जोड़ेंगे, मतलब गड़बड़ी करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा। ये ऐसी बात नहीं भाई, गड़बड़ी कर रहे हैं आपके पास, जैसे पेट में हमारे गड़बड़ी होती है वो गड़बड़ी से मतलब नहीं है आपके पास, गड़बड़ी का मतलब है आपके पास यहाँ पे क्वांटम को समझ रहे हैं आपके पास, तो स्कोडेनियर वेव इक्वेशन है आपके पास, तो स्कोडेनियर वेव इक्वेशन क्या होती है आपके पास बच्चों बताओ, एच साई इज इक्वल टू ई साई होती है, ये आपके पास नॉर्मल स्कोडेनियर वेव इक्वेशन होती है। यदि आपने इसमें केस हम ले लेते हैं, जब आपके पास क्या करना है, टोटल हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन की वैल्यू को जब आपने जोड़ोगे, तो आपके पास एच नोड मतलब जो आपके पास फिक्स है आपके पास, और जो गड़बड़ी हुई आपके पास ऐसे हुई। अब बात कर लेते हैं इस गड़बड़ी के अंदर आपके पास इसकी फॉर्म क्या होती है, फॉर्म
शुद्ध फॉर्म इसकी क्या होती है? तो आपके पास H इज इक्वल टू H नॉट प्लस में, अब यहाँ इसके साथ क्या लगता है बच्चों? आपके पास लैम्डा लगता है, तो लैम्डा को क्या कहते हैं? तो लैम्डा को क्या बोलते हैं बच्चों? वो मैं बताने जा रहा हूं अभी। लैम्डा को क्या बोलते हैं? लैम्डा किसको शो करता है? स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन को शो करता है। लैम्डा शो स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन, स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन को शो करता है। अब बात कर लेते हैं लैम्डा, ये आया है स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन आई आपके पास, इसकी रेंज कहां से लाई करती है? तो इसकी रेंज लाई करती है, रेंज लाई बिटवीन ए 0 to 1, 0 से 1 के बीच में स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन की रेंज लाई करती है आपके पास। हमने पर्टर्बेशन थ्योरी के बारे में हम समझ लिया, तो इससे बाद में हम करते हैं इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन आपके पास स्टार्ट करते हैं, आपके पास आपने कंसिडर करना है टाइम डिपेंडेंट स्कोडेनियर वेरिएशन। क्या करनी है? सबसे पहले आपने कंसिडर करनी है, तो आपके पास माइनस एच कट बटे में आई डेल ऑफ साई, साई क्या होता है आपके पास? वेव फंक्शन होता है, उसका रिस्पेक्ट में आपने क्या करना है? डेरिवेटिव करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू एच साई। आपके पास क्या होती है? टाइम डिपेंडेंस कोऑर्डिनेटर वेव की इक्वेशन होती है आपके पास, जिसके अंदर विद आइगन फंक्शन, दो चीजें होती है आपके पास, आइगन फंक्शन होता है और आइगन वैल्यू होती है। आइगन फंक्शन आपके पास साई से नोटेशन होती है, तो इसमें आपके पास साई जे, मैंने मान साई जे आपके पास, ये साई जे आपके पास ई की पावर माइनस में आई ई की जे टी बाई एच कट इंटू में साई जे, और आपके पास साई जे क्या है यहाँ पे? आइगन फंक्शन ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट। बात कर रहे थे हम डिपेंडेंट की, पट यहाँ पे क्या आ गया? टाइम इंडिपेंडेंट आ गया, स्कोडेनियर वेव इक्वेशन कौन सा? साई जे वाली टर्म आ गई। उसके बाद में आपके पास क्या है? सो यदि हम इसको क्या करें, पटर का मतलब क्या होता है? गड़बड़ी। तो पटर द हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन जिसको लिखते हैं हम एच से लिखते हैं, विद ए रेडिएशन फील्ड, तो उसकी आपके पास रेडिएशन फील्ड की वैल्यू कैसे होगी? तो उसकी वैल्यू होगी आपके पास हैमिल्टोनियन एच इज इक्वल टू एच नोट। एच नोट आपके पास यहाँ पे क्या है? एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन की वैल्यू है। प्लस में आपके पास ई नोट आर साइन इनटू में फंक्शन आपके पास क्या है? 2 पाई न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी है इनटू टी। उसके बाद आपके पास द वेव फंक्शन एनालॉग, जब वेव फंक्शन को क्या करते हैं? एनालॉग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के अंदर है? पर्टर्बेशन के अंदर, एंड मे बी एक्सप्रेस। तो उसको एक्सप्रेस कैसे लिखेंगे? तो उसको एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, किसकी सहायता से लिखेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन की सहायता से लिखेंगे, ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंप्लीट सेट। तो कंप्लीट सेट के जो हैमिल्टोनियन है उसके जो आपके पास फंक्शन है उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो फंक्शन आपके पास हमेशा लिखते हैं साई से लिखते हैं, इज इक्वल टू, कंप्लीट की बात कर रहे हैं, कंप्लीट कैसे हमेशा याद रखना, क्या लगता है आपके पास? समेशन लगता है, तो समेशन आपने लगा दिया सी के ई की पावर माइनस आई ई के इंटू टी, आपके पास एज इट इज वाली टर्म है ऊपर वाली, बट यहाँ पे ओनली के आ गए, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट चेंज हो गया। इससे आगे देखो, तो उस स्टेप से आगे हमारे पास क्या है? हमारे पास है साई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए के, जो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन का जो स्टेप था आपके पास लास्ट में, उसको आपके पास सी के क्या है आपके पास, इसमें लाइन में बताया गया है टर्मिनेशन ऑफ द रेडिएशन फील्ड। रेडिएशन फील्ड में क्या टर्मिनेशन है? विल काज, जिसके कारण वेव फंक्शन है वो क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स का मतलब है मिलना, कोलैप्स हो जाता है टू ए स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है आपके पास? एक जगह फिक्स होना,
विद प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास नोटेशन होती है यहाँ पे क्वांटम के अंदर हमेशा सी के से नोटेशन होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा सी के की स्क्वायर होती है। द सी के विल बी द एनवलप, तो यदि हम सी के को एनवलप करने के बाद हम इक्वेशन क्या होगी हमारी, इसके बाद में इक्वेशन क्या होगी, तो आपके पास माइनस में एच कट बाई आई आपके पास थी स्टार्टिंग में, डेल बाय डेल टी। आप डेल टी किसके रिस्पेक्ट में किया है, डिफरेंशिएशन आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट में किया है, ओवरऑल की बात कर रहे थे, आपके पास सी के प्रोबेबिलिटी वाली टर्म यहाँ पे ऐड हो गई, ये आपके पास एज इट इज था इज इक्वल टू, जो आपके पास हैमिल्टोनियन वाली टर्म थी आपके पास ये वाली टर्म पे चेंज थी हैमिल्टोनियन की। यहाँ ओनली क्या किया है हमने, सी के को लगाया है, बस सी के को लगाया है, और आपके पास सारे के सारे टर्म आपके पास पीछे वाली है, उसको हमने दोनों को इक्वेट किया है। इक्वेट करने के बाद आपके पास क्या होगा, नाउ टेकिंग यदि हम टाइम के डेरिवेटिव को ऑन लेफ्ट आपके पास देखो, लेफ्ट में है आपके पास एंड एक्सपेंड, उसको और एक्सपेंड करें भाई, इसको डेरिवेटिव आपके पास करके इसको एक्सपेंड करें तो आपके पास सो वी राइट वी गेट, तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये तो आपके पास है ही, देखो माइनस का एच कट भाई आपके पास समेशन ऑफ के, अब क्या करें इसका डेरिवेटिव अंदर ले जा रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं तो आपके पास ये फंक्शन आपके पास एज इट इज, तो आपके पास ये सी के, आपके पास सी के वाला क्या है, एक बार क्या करना है इस वाले टर्म को अंदर दो भागों में टूट गया, आपके पास ये इस भाग में टूट गया और ये आपके इस भाग में टूट गया, इसको डेरिवेटिव क्या किया हमने, एक्सपेंड किया है ओनली, और ये आपके पास ये वाले टर्म है इसको आपने क्या किया है, एच नोट जो आपके पास है, एच नोट आपके पास क्या है यहाँ पे जो फिक्स वैल्यू है वो आपके पास है हैमिल्टोनियन की, तो फिक्स वैल्यू आपके पास ये है ही आपको पता है, तो फिक्स वैल्यू मैंने लिखी थी पीछे, तो आपके पास एज इट इज आपके पास ये क्या है, ये वाली वैल्यू देख लो, ये आपके पास यहाँ पे फिक्स वैल्यू ये है आपकी, प्लस में जो आपके पास ये वाला फंक्शन है और ये वाली वैल्यू देखो, आपने हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपने अलग अलग करके लिख दिए इसको, तो अलग अलग करके लिखोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ गई। यहाँ इससे आगे आप देखें, चलो बच्चों उससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं आपके पास, तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने, विच सिंप्लीफाई, तो उस वाली इक्वेशन को हमने क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है माइनस का एच कट आवर में आई समेशन ऑफ ए के, आपके पास समेशन मतलब कब लेते हैं, आपने आवर ऑल का केस लिया, जब आपने समेशन लिया तो आपके पास डेल सी के आपने क्या लिया था, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी लेते हैं आपके पास, तो बटे में टी ई की पावर आपके पास सेम एज इट इज स्टेप है, और ये वाला सेम एज इट इज आपने स्टेप एज इट इज लिखा है जो वाला आपके पास प्रीवियस था एज इट इज। नाउ लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन, आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, बाय द स्टेट इंटरेस्ट, और आपने क्या करना है उसको इंटीग्रेशन करना है, लेफ्ट साइड को आपने इंटीग्रेट करके फॉर्म में लिखना है उसको, इंटीग्रेशन यील्ड की फॉर्म, तो माइनस का एच कट ये वाई टर्म आपके पास एज इट इज है यहाँ पे, ये वाई टर्म यहाँ पे आ गई, अब आपने क्या करना है इन द केस ऑफ द क्वांटम यील्ड, क्वांटम के अंदर इंटीग्रेशन यील्ड का मतलब क्या होता है, इसको डेल की फॉर्म में लिखना, डेल की फॉर्म में दो आपके पास फंक्शन है वो आपके पास एम ले लिया और के लिए, दो फंक्शन में लिखना, कोई भी नाम ले सकते हो आप, इज इक्वल टू ये वाली टर्म आपके पास देखो यहाँ पे एज इट इज है, और ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज है, ओनली आपने यहाँ पे दो टर्म ली है ना, तो उसका क्या करना है आपने मल्टीप्लीकेशन करके उसका यील्ड करना है, तो यील्ड आपके पास दो केस है साई एम आपके पास और साई के आपके पास, उसको आपने
इस फॉर्म में लिख दिया। फॉर्म में लिखने के बाद आपके पास एवलेट कर रहे हैं, ये आपके पास बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। ये कोनिका डेल्टा फंक्शन आपके पास उसमें यूज कर रहे हैं हम इस इक्वेशन के अंदर। टॉपिक आपके पास था टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, तो आपके पास इसमें रीअरेंज एंड अज्यूम, आपने उसको क्या किया, रीअरेंज किया, रीअरेंज इक्वेशन किया। और पर्टर्बेशन इज अ स्मॉल स्मॉल पर्टर्बेशन के केस, पर्टर्बेशन का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी होता है। सो ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट आपके पास नीचे वाली स्टेट होती है, ऐसे स्टेट आपके पास ऊपर वाली होती है। कैन बी यू टू राइट हैंड साइड द कोफिशिएंट, राइट हैंड साइड है उसके कोफिशिएंट में बदलाव होगा। अब आपके पास डेल ऑफ सी एम, सी एम आपके पास क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। आवर में डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये वाला फंक्शन आपके पास एच डी देखो, माइनस में आई आवर में एच कैट, ये वाले क्वेश्चन आप लिखते हो, ए की पावर में ये लगाते हो, ये वाला फंक्शन आपके पास। अब आपने ग्राउंड स्टेट की बात आई है, ग्राउंड स्टेट में जहां पे आपके पास के था वहां पे ग्राउंड स्टेट में क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ग्राउंड स्टेट में बदलाव ये हुआ। अब बात आती है इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम टाइम पर्टर्बेशन के फॉर्म में, तो टाइम पर्टर्बेशन के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगा, लास्ट स्टेप आपके पास ये सी एम डेल्टा, ये टाउ, टाउ क्या होता है आपके पास, टोर्क होता है, और टोर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। माइनस में एच कट, माइनस में आई बटे में एच कट ए की पावर जीरो। अब आपने क्या लगानी है, इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जीरो से लेके टाउ, टाउ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे टाइम में फॉर्म किया गया है इसको। तो साइन फंक्शन आपके पास ये एज इट इज है, आपके पास ऊपर वाले जो स्टेप एज इट इज है उसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन आपको आता है, तो इंटीग्रेशन आपने क्या करना है, 1/2 जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे और उसकी लिमिट लगाएंगे तो लिमिट खोल के आपके पास ये आएगा, और ये वाला फंक्शन आपके पास एज इट इज है। अब बात कर रहे थे हम यहाँ पे जो आपने ओमेगा लिखा है, ओमेगा आपके पास क्या होता है, 2π(ν), और न्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद में आपके पास ओमेगा एम सबस्क्रिप्ट में एम है, फिर जीरो आपके पास, ये किसके बराबर है, दो एनर्जी का डिफरेंस आपके पास, दो एनर्जी स्टेट का, ई एम माइनस में ई नोट बाई एच कट। और ये था आपके पास कौन सा टॉपिक था, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, कैसे करना है, याद कैसे रखना है इसको, सबसे पहले आप पर्टर्बेशन थ्योरी के बाद बारे में डिस्कस करें, जैसे मैंने आपको बताया था पर्टर्बेशन थ्योरी, फिर आप स्टेप टू स्टेप लेके चले, आपके पास सारा का सारा हो जाएगा। और ये आपके पास इंपॉर्टेंट आता है एमएससी सेकेंड सेम में, आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद में आपके पास ये क्वेश्चन एमएससी एंट्रेंस में पूछा जाता है ये आपके पास, और ये क्वेश्चन है आपके पास नेट और जीआरएफ के पेपर में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके पास इतना इंपॉर्टेंट है पर्टर्बेशन का। तो पर्टर्बेशन के आपके पास क्या होता है, पर्टर्बेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, गड़बड़ी होता है। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, हमारे वीडियो ज्यादा ज्यादा मात्रा में शेयर करें, और यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।